नमस्कार, वॉचटॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश उपाध्याय। वॉचटॉक में हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसी घटनाएं, मुद्दे जिनका सरोकार आम शहरी की जिंदगी से है। आज के वॉचटॉक में एक ऐसा दर्दनाक हादसा जिसमें तीन बेगुनाह पुलिस की ज्यादती का शिकार हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, और साथ ही यहां लिखा हुआ है पुलिस थानों में मानवाधिकार संरक्षण। पुलिस थानों में मानवाधिकार संरक्षण कैसा होता है, इसका नमूना मिला 2004 सितंबर में। तीन बच्चों को किसी मामले में यहां लाया गया, बेगुनाह थे। बताया जाता है कि उनकी यहां बेरहमी से पिटाई हुई और बाद में उनकी मौत हो गई। यह है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मानवाधिकार संरक्षण का एक नमूना। आसिफ, मेहरबान और अरशद फेरी का काम करते थे और पिछले साल सितंबर के महीने में ये तीनों सुबह सुबह अपने घर से काम पर निकले थे, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। सेक्टर 22 के पास एक कबाड़ी का काम कर रहे थे कि वहाँ के गार्ड ने उन्हें पकड़कर ग्रेटर नोएडा के कासना थाने के पूर्व प्रभारी आलोक शर्मा को सुपुर्द कर दिया, लेकिन आलोक शर्मा के चंगुल से वो तीनों बचकर नहीं निकल पाए। आलोक शर्मा ने तीनों बेगुनाहों के साथ बर्बरता से मार पिटाई की और फिर तीनों को मार डाला। इन तीनों बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में कबाड़ के लिए घुसे थे। तीनों लड़कों के गुम हो जाने से परेशान घर वाले जब थाने पहुंचे तो उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया गया। जब बात न्यायिक मजिस्ट्रेट तक पहुंची तो पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि तीनों बच्चों को पकड़ा जरूर था पर उसी समय छोड़ दिया था, लेकिन चार महीने बाद तक सुराग नहीं लगने पर पुलिस द्वारा रहस्यमय परिस्थितियों में गायब किए गए बच्चों के परिजनों ने मामले से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया तो इस साजिश में शामिल 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और आलोक शर्मा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। लेकिन मामले की छानबीन की शुरुआत होते ही शातिर आलोक फरार हो गया। आसिफ, मेहरबान और अरशद इन तीन लड़कों के अपहरण और हत्या के मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा पुलिस की वर्दी दागदार हो गई है। आसिफ के बहनों जुल्फिकार हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि वो इस मामले को लेकर जब इस थाने में आए तो पुलिस ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी जुल्फिकार जी, आप बताइए कि पुलिस ने कैसे व्यवहार किया आपके साथ? हमारे लड़के ये 26/9 में तीनों लड़के आसिफ और मेहरबान अरशद ये ग्रेटर नोएडा फेरी आते थे, तो 26 रात को ये नहीं पहुंचे। सुबह को हम घर से निकले, इनको तलाश करा हमने, तो हम ग्रेटर नोएडा सब जगह हमने थानों में इनको देखा, चौकियों में देखा, हमें नहीं मिले। तो हमने फेरी वालों को अगले दिन 28 तारीख में लड़कों को फेरी वालों को दिखाया कि भाई हमारे ये लड़के हैं आसिफ और मेहरबान, क्या आप बता सकते हो इन्हें कहीं देखा तुमने? तो हमें बताया लोगों ने कि ये हमने गाँव फर्स्ट के गेट पर तीनों बच्चे देखे गए। तो हम तीनों निकल पड़े वहाँ से अपने परिवार वालों को लेके, उसके साथ मैं भी था उनके साथ में। जब हम निकले तो हमने गाँव फर्स्ट में जो है तलाश करा, तलाश करने के बाद एक गार्ड ने हमें बताया कि हमने ये बच्चे तीनों गांव फर्स्ट के गेट पे हमने पुलिस को दे दिए। हम आए थाना, थाने में हमने कही एक संतरी गेट पे खड़े हुए थे, उनसे पूछे हमारे नाम के तीन लड़के हैं भैया, एक अरशद और एक मेहरबान, क्या आप इनको बता सकते हो? उन्होंने कहा चलिए भागे यहाँ से, इन नाम के बच्चे कोई नहीं आए यहाँ पे। हम वापसी चले गए। जाने के बाद में जब हमने लड़कों की पूरी वो कर ली कि हाँ वो थाने पहुंचे, पहुंचने के बाद अगले दिन हम फिर आए यहाँ पे। अगले दिन जब हम गेट पर आए तो थाने के अंदर, इसी के अंदर जहाँ पे ये लिखत रूप करते हैं, हम सीधे डायरेक्ट इसमें घुसे तो एक चश्मे वाले, उनके दो दांत थोड़े चौड़े हैं, हम वहाँ पहुँचे, उनसे कही भाई ऐसे से बात है सर, हमारे तीन बच्चे हैं आसिफ, मेहरबान और अरशद, ये बच्चे हमारे कई दिन से गुम हैं, 3-4 दिन से, 26 तारीख से। तो उन्होंने कहा भागे यहाँ से। मैं बोला सर जब हमें बताया, किसी गार्ड ने बताया है, आप हमें बताइए कहाँ है बच्चे, जाते हो यहाँ से आलोक शर्मा को बुलाएं। तो हमें इस धमकी को देकर हम उसकी दहशत से उसका बहुत रुका सुना हमने कि वो बहुत बदतमीज और दरिंदा आदमी है, इसलिए हम बाहर निकल गए। ये वही कमरा है जहां पर उन तीन लड़कों को रखा गया था, उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया था। आसिफ भी उनमें से ही एक था। आसिफ की उम्र थी कोई 18 साल, कबाड़ी का काम करता था। पुलिस उसे उठा लाई और फिर उसके साथ जो हुआ वो एक कहानी बनकर रह गया है। दादरी के नई आबादी इलाके में रहने वाले आसिफ के घर पिछले 5 महीने से सन्नाटा पसरा है। आसिफ के घर अभी भी उसके रिश्तेदारों की भीड़ जमा है। पिछले 5 महीने से इस घर से कोई भी काम पर नहीं गया है और ये लोग आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। आसिफ मात्र 18 साल का था, लेकिन उसके सिर पर बूढ़े माँ बाप और तीन बहनों का बोझ था। आसिफ अपने भाई आसमान के साथ मिलकर बड़ी मुश्किलों से घर चला रहा था, लेकिन आसिफ की मौत के बाद इस परिवार की आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गई है, जिसके लिए घर के सदस्य जिम्मेदार पुलिस को मानते हैं।
हमें तो ये लगता है कि हमारा भाई जो अब दुनिया का अंदर है ही नहीं। अब तो तीन चार चार पांच दिन से बिल्कुल उम्मीद ही हमारे खत्म हो चुकी। अन्य ये था कि आ जाएगा, लोग कहीं गया होगा तीनों, या कुछ काम करने चले गए या रिश्तेदारी में पहुंच गए। अब तो हमारी बिल्कुल ही उम्मीद खत्म हो चुकी। अब हम कहीं भी नहीं ढूंढ सकते, ना कहीं हम जा सकते। अब हम परेशान, अब हम क्या कह सकते हैं। जवान बेटे की मौत का गम आसिफ के घर वालों को दिन ब दिन खाए जा रहा है। कानून के रखवालों का हाथ आसिफ की हत्या में होने के कारण पुलिस पर से इनका विश्वास तो उठ गया है, मगर इनकी गुहार है कि अगर देश में जरा भी इंसाफ है तो उनके बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई जाए। हमारे सामने उनको सजा लगे, फांसी लगे जब हम सबर आएगा। इससे पहले हमें सबर नहीं आने का है। जैसे हम तड़फ रहे हैं अपने बच्चे के खातिर, ऐसे उसके बच्चे अगर तड़फे, समझे, जब सबर आएगा हमें, इससे पहले सबर नहीं आने का। अगर वो ना लगा सके तो हमें सौंपते, हम अपने आप लगाएंगे। वैसे आसिफ के परिवार में अकेला वो नहीं जो पुलिस ज्यादतियों और जुल्म का शिकार हुआ हो। उसके परिवार के कई अन्य लोग भी शिकायत लगाते रहे हैं कि उनके साथ पुलिस गाहे बेगाहे अत्याचार करती रही है। देश की पुलिस कितनी ही चुस्त दुरुस्त क्यों ना हो, सरकार बहादुरी और ईमानदारी के तमगे बांटे, लेकिन पुलिस से जिसका सबका पड़ा हो वही जानता है कि इसका असली रूप क्या है। आज पुलिस महकमे के लोग न सिर्फ अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते हैं बल्कि खुद अपराध का चोला पहनने लगे हैं। आसिफ का भाई आसमान को पुलिस का नाम आते ही कांप उठता है। आसमान भी पुलिस की वर्दी पे अपराधियों का सामना कर चुका है। जब मैं फेरी फिरता था तो मैं भी फेरी फिरने के लिए अपना गया, जैसे भी जाते हैं रिक्शा लेकर। ब्लॉक में पढ़ाई था कि बीटा फेस्ट में, तो पीछे से अकेले शर्मा मार दी कार आई, उसमें तीन उतरे, एक के शर्मा था, दो और थे हवलदार जो भी थे, एक इधर खड़ा हो गया, तीन के तीनों ने मुझे घेर लिया। अकेले शर्मा ने बहुत बुरी तरह से मारा कि तो टांगों मारता था, पर मैंने टांग बचाई अपने हाथ, जितने ही मारे 15-20 डंडे मैंने अपने हाथों पर झेले। अगर टांग में लग जाता, टांग में गिरने के बाद तो तीनों बजाते, पर उसके बाद एक ने मारा, जितने मारा मुझ पर उस पर मारा गया। आपसे कोई वजह नहीं पूछी आपके साथ पुलिस ने? आगे कुछ भी नहीं पूछा, मेरा नाम तक नहीं पूछा, मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तेरे मुंह में कैद आते हैं। गाड़ी में से उतरे, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर, तीनों तरफ से मुझे घेर लिया, जब एक ने डंडा बजाया बहुत बुरी तरह से। आसिफ के परिजनों को दिलासा देने के लिए हर रोज उसके घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तांता इसी तरह दिखाई देता है। जब हमारी कैमरा टीम आसिफ के घर पहुंची तो उसके पड़ोसी जाफर अली ने हमें बताया कि किस तरह इस पूरे मामले के मुख्य अभियुक्त आलोक शर्मा ने उनके परिवार के सदस्यों को भी कई बार परेशान किया है। जिस वक्त ये यहाँ बिस्तर थाना में थे तो मेरा जीजा और मेरे जीजा का दामाद फेस टू से। आप इस मामले के मुख्य अभियुक्त आलोक जी के बारे में बात करें, आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जी, जिस वक्त मैं ये बिस्तर पहुंचे तो इन्होंने स्कूटर रोका उनका, कहने लगे भाई आप कहाँ से आ रहे हो? क्या फेस टू से आ रहे हैं और हम डांसने जा रहे हैं, ये आपके इसमें क्या है? इसमें स्कूटर में जो वजन रखा है, कह जी ये बिजली के तार हैं जो पुराने होते हैं, इसको हम बेचने को ला रहे हैं, हम कबाड़े का काम करते हैं, तो आप मुझे जानते हैं? नहीं साहब, हम तो आपको जानते नहीं हैं, मेरा नाम आलोक शर्मा है और अब से पहले मैं बहुत आदमियों को मार चुका हूं और मेरा 1.25 किलो खून बढ़ता है एक आदमी को मारने से। आसिफ के परिवार वालों की मांग है कि उसके बेटे के हत्यारों को फांसी दी जाए। इस मांग से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन आसिफ के साथ ही अरशद और मेहरबान के साथ भी यही हुआ। उनके परिवार क्या कहते हैं ये लेकर हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।